केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। मधुपुर उपचुनाव से पूर्व हमारे बीच में है कोटा के सांसद निशिकांत दुबे, जिनकी बातचीत हुई है हमारे संवाददाता के साथ। तो आइए देखते हैं उनकी बातचीत की एक खास रिपोर्ट। चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है, कोई मुकाबला नहीं। लगभग कोई आंकड़ा 50,000 वोट से। 50,000 तर आज इरफान अंसारी जी मंदिर गए थे, ये भी कह रहे 6 महीना पहले भी गए थे, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं उछाला। चुनाव का समय है इसलिए हमारे मंदिर जाने का मुद्दा बना। मुसलमान को मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे हम काबा नहीं जा सकते, मक्का नहीं जा सकते, मदीना नहीं जा सकते, वैसे ही गैर हिंदू जो है वहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो 6 महीना पहले गया कि साल भर पहले गया, उसने उस वक्त भी घटिया काम किया था, अभी भी घटिया काम किया। धार्मिक भावनाओं को उसने, हिंदू की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, उन्माद फैलाने की कोशिश की है। और मधुपुर का चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर वो लड़ना चाहता है, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है उसकी सरकार के पास, इसलिए वो मंदिर गया जानबूझ कर गया। इसके वो कह रहे हैं कि वो विकास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा बना रहे हैं, विकास की बात नहीं करते। वो कौन सा विकास किया है? वो विकास पर बात करें ना कि मधुपुर में क्या विकास कर दिया। 14 महीने जो है हाजी हुसैन अंसारी साहब यहाँ MLA थे, मंत्री थे, कोई एक विकास का बात करेंगे ना? उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, इसीलिए इरफान अंसारी को हेमंत सोरेन ने जानबूझकर आगे किया है। DC और SP की सहमति से उसने बयावा पैदा किया, क्योंकि उसको हिंदू धर्म में आस्था नहीं है। उसने खुद हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। हेमंत सोरेन इसी कारण से ट्रस्टी होने के नाते, मुख्य ट्रस्टी होने के नाते, उसके चेयरमैन है मंदिर कमेटी के, वो सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। तो उन्होंने इरफान अंसारी को जानबूझकर मंदिर में पूजा करने के लिए भेजा। वो और भी कह रहे हैं बार बार जाते रहेंगे हिंदुओं के मंदिर, अभी देवघर गए, कल बासुकीनाथ भी जाएंगे। जाएंगे तो बासुकीनाथ में तो खैर वो पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हिंदू अलर्ट हो गया है, और कल यदि बासुकीनाथ में पूजा करके दिखा दे तो मुझे लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर। केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर।